नमस्कार दोस्तों, आप सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं सिंगल कलर का एक बेहद खूबसूरत डिजाइन लाए हूँ, जिसे आप जेंट्स स्वेटर में, लेडीज स्वेटर में, बच्चों के स्वेटर में, चाहे किसी भी प्रोजेक्ट में डालेंगे, ये बहुत ही अच्छा लगेगा। इसे बनाने के लिए हमें 8 नंबर में फंदे चाहिए, तो मैंने 11 फंदे डाले हैं। इस डिजाइन को आप फंदे डालने के बाद डायरेक्ट डाल सकती हैं, बॉर्डर की जरूरत नहीं है। अगर इस डिजाइन में आप कोटी बनाती हैं तो बेहद खूबसूरत बनेगा। डिजाइन बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। यदि आपको ढेर सारे डिजाइन चाहिए तो आप मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिजाइन बनाते हैं। तो ये डिजाइन का पहला लाइन है और सामने से पहला फंदा हम सीधा बुनेंगे या स्लिप कर लेंगे। चूंकि ये पहली लाइन है, इसलिए हम पहला फंदा सीधा बुनेंगे। अब ऊन अपनी ओर करेंगे। नेक्स्ट फंदे को हमें स्लिप करना है, तो जैसे हम उल्टा बुनते हैं, इस तरह पर्ल वाइज से हम स्लिप करेंगे। अब ये ऊन हमारी तरफ ही है और नेक्स्ट फंदा हमें सीधा बुनना है। ये हमारी तरफ ऊन है और ऐसे हम घुमा के और इस फंदे को सीधा बुन लेंगे। ऊन अपनी ओर, नेक्स्ट फंदा स्लिप करना है पर्ल वाइज, अगले फंदे को सीधा बुनना है, ऐसे घुमा के। हर बार सीधा बुनने के बाद हम ऊन को अपनी तरफ कर लेंगे। नेक्स्ट फंदे को पर्ल वाइज स्लिप करेंगे, अगले फंदे को ऊन हमारी तरफ है, ऐसे घुमा के ले जाएंगे और सीधा बुनेंगे। ऊन अपनी तरफ, नेक्स्ट फंदे को पर्ल वाइज स्लिप करना है, ऊन को अगला फंदा सीधा बुनना है, ऊन को घुमा के ले जाएंगे और सीधा बुनेंगे। ऊन अपनी तरफ, नेक्स्ट फंदा स्लिप करना है, अगले फंदे को सीधा बुनना है, तो ऊन हमारी तरफ है, घुमा के सीधा बुनेंगे। तो दो ही फंदे का ये डिजाइन है। उल्टे फंदे को स्लिप करना है, लेकिन स्लिप करने से पहले ऊन को हमें अपनी तरफ कर लेना है और नेक्स्ट फंदा सीधा। ऊन हमारी तरफ है और अपनी तरफ रखे हुए ही अगले फंदे को सीधा बुनना है। तो हमें पूरी लाइन में इन्हीं दो फंदों को बुनना है, पूरी लाइन में इन्हीं दो फंदों को हमें दोहराना है। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में। तो पहला फंदा देखिए हमारा उल्टा है, लेकिन एज स्टिच है, इसलिए हम इसे स्लिप कर लेंगे। अब नेक्स्ट फंदा हमें सीधा बुनना है, लेकिन हम उल्टे वाले फंदे को स्लिप करते हैं, तब ऊन अपनी ओर करते हैं। यहाँ पे हमें सीधा बुनना है, इसलिए ऊन को हम दूसरी तरफ कर देंगे और इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे। दो फंदे हैं, इन दोनों को हम एक साथ लेते हुए सीधा बुनेंगे। अब नेक्स्ट फंदे को हमें स्लिप करना है। स्लिप करने से पहले ऊन को हमें अपनी तरफ कर लेना है और ये फंदा देखिए उल्टा है, इसे स्लिप करना है, ऐसे पर्ल वाइज सिलाई डालेंगे और अगले फंदे को सीधा बुनना है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास दो धागे हैं, एक ये हमने जो सीधा बुना था वो, और जो हमने स्लिप किया था, ऊन अपनी तरफ किया था, तो ये इन दोनों फंदों को हम एक साथ लेंगे। अब ये ऊन हमारी तरफ है, ऐसे घुमा के दोनों को एक साथ लेते हुए सीधा बुन लेंगे। सीधा बुन लिया, अब हम ऊन को वापस अपनी तरफ कर लेंगे। नेक्स्ट फंदा हमें स्लिप करना है, इसे स्लिप किया, अब इन दोनों फंदों को हमें सीधा बुनना है, तो इसे हम सीधा बुनेंगे और धागे को घुमाकर वापस अपनी तरफ ले आएंगे। ऊन अपनी तरफ, नेक्स्ट फंदा स्लिप करना है, अगले फंदे को सीधा बुनना है, ऊन हमारी तरफ है, तो इसे घुमाकर सीधा। तो दो ही फंदे का ये डिजाइन है। एक फंदा उल्टे वाले को स्लिप करना है, सीधे वाले को सीधा बुनना है, लेकिन ऊन हमारी तरफ है, इसलिए जाली देते हुए सीधा। अब देखिए यहाँ पे लास्ट फंदा उल्टा है और ये एज स्टिच है, ऊन अपनी तरफ करेंगे, इसे हम उल्टा बुनेंगे। फिर से देखिए पहला फंदा, इसे हम स्लिप कर लेंगे, ऊन को अपनी तरफ करेंगे, ये देखिए उल्टा फंदा है, इसे हमें स्लिप करना है। नेक्स्ट फंदा सीधा है, तो हमें इन दो धागों को एक साथ लेते हुए सीधा बुनना है। ऊन हमारी तरफ है, इसलिए जाली देते हुए सीधा।
नेक्स्ट फंदा स्लिप करना है, उल्टा फंदा है इसे स्लिप करना है, अगला फंदा सीधा है, तो इन दोनों फंदों को हमें साथ लेकर बुनना है। तो दो ही फंदे का ये डिज़ाइन है और एक ही लाइन का हम सामने से भी ऐसे ही बुन रहे हैं और बैक से भी इसी तरह बुन रहे हैं। दो ही फंदे का डिज़ाइन और एक ही लाइन का डिज़ाइन है, दोनों साइड से हम समान रूप से बुन रहे हैं। ये देखिए बैक साइड से अगला फंदा ये उल्टा है, इसे हमें स्लिप कर लेना है, नेक्स्ट फंदा सीधा है तो ऊन हम दूसरी तरफ करेंगे, इसे हम सीधा बुनेंगे। जब हम उल्टे फंदे को स्लिप कर रहे हैं तभी हमारे पास ये धागा रह रहा है, तभी हम धागे को अपनी तरफ कर रहे हैं। अब यहाँ पे साइड में देखिए, यहाँ पे साइड में चूँकि हम ये उल्टे फंदे को स्लिप कर रहे हैं इसलिए हमने धागे को दूसरी तरफ कर लिया और इन दोनों फंदों को नॉर्मली सीधा बुन लिया एक साथ लेते हुए। अब नेक्स्ट फंदा उल्टा है तो इसे हमें स्लिप करना है। अब जब इसे स्लिप करना है तो हम धागे को अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को स्लिप करेंगे और फिर नेक्स्ट दोनों फंदों को साथ लेते हुए सीधा बुन। लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम उल्टा बुनेंगे। तो दो ही फंदे का और एक ही लाइन का डिजाइन है। देखिए सामने से ये हमारा रॉन्ग साइड है, ये देखिए ऐसा दिखाई दे रहा है, ये हमारा फ्रंट साइड है तो देखिए ऐसा, यानी दोनों तरफ से ये एक ही जैसा दिखाई देता है। अगर इसमें आप इस डिजाइन में आप कोटी डालेंगे बेहद खूबसूरत लगेगा। देखिए फ्रेंड्स डिज़ाइन कितना खूबसूरत है, आप जिस भी प्रोजेक्ट में इसे बनाएंगे उसकी शोभा ये बढ़ा देगा। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें, देखिएगा कितना अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स डिज़ाइन आपके सामने है, आशा है आपको पसंद आया होगा। तो यदि आपको डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।